आईफोन में स्नैपचैट में लॉगिन एक्टिविटी कैसे देखें। जी दोस्तों, अगर आप जो है अपना स्नैपचैट को आपके दोस्त के फ़ोन में लॉगिन कर दिए थे, या फिर आप जो है किसी वजह से आप जो है चेक करना चाहते हो कि आपका लॉगिन एक्टिविटी क्या है, इसका मतलब आपका जो स्नैपचैट है उसको आप ही एक लॉगिन करके रखे हो कि कोई और लॉगिन करके रखा है, ये सब आपको जानना है, देखना है, तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताऊँगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप जो है ऑल पर सेलेक्ट करें। इसके लिए आपको जो है सबसे पहले तो अपना जो स्नैपचैट ऐप है उसको ओपन कर लेना है। दोस्तों जैसे ही आप जो है स्नैपचैट ऐप को ओपन करेंगे, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, तब यहाँ पे आपको यहाँ पे जो प्रोफाइल बना रहता है ना, इस पे आपको अवतार पे क्लिक कर देना है। अब आपके सामने कुछ इस तरीके से दिख जाएगा। अब आपको आगे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ याद रखिए, आप जो है अगर लॉगिन एक्टिविटी को देख रहे हैं तो आप यहाँ पे अपना खुद का फ़ोन का मॉडल नंबर आपको याद रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोग मॉडल नंबर तक नहीं जानते। तो दोस्तों मेरा जो आईफोन है वो आईफोन 15 प्लस है, ठीक है। मेरे पास और भी फ़ोन है लेकिन मेरे पास ये अभी आईफोन 15 प्लस है, जिसमें मैं जो स्नैपचैट चला रहा हूँ। मैं और कोई दूसरा फ़ोन पे अपना जो स्नैपचैट आईडी है वो इस तरीके से लॉगिन नहीं किया हूँ। तो यहाँ पे मेरा जो लॉगिन एक्टिविटी दिखेगा उसमें जो है सिर्फ एक ही डिवाइस यहाँ पे बताएगा। लेकिन आपने जो है अगर अपने फ्रेंड या फिर आपके फैमिली मेम्बर जिसके भी फ़ोन में स्नैपचैट आईडी को लॉगिन किया था, तो उसका भी हो सकता है यहाँ पर मॉडल नेम बताए, तो उसको आप यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हो, ठीक है। होता क्या है, कभी कभी हम जो है दोस्त के फ़ोन में लॉगिन करते हैं, हमको स्नैपचैट को देखना पड़ता है, मान लो हमारे पास फ़ोन नहीं होता, अवेलेबल नहीं होता है, फिर किसी वजह से हमको स्नैपचैट आईडी को लॉगिन करने की ज़रूरत पड़ता है अपने दोस्त के फ़ोन में, तो आप जो है लॉगिन तो कर सकते हो, इस्तेमाल भी कर सकते हो, ठीक है, और वहाँ से लॉगआउट कर भी सकते हो। अगर आप जो लॉगआउट करना भूल गए हो तो आप यहाँ पर लॉगिन एक्टिविटी पर जाके लॉगआउट कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको पता चल जाएगा कि आपका जो स्नैपचैट आईडी है उसको कौन कौन चला रहा है करके, अगर आप जो दूसरा फ़ोन पर लॉगिन किए हो। तो यहाँ पर आपको जो सेटिंग पे क्लिक कर देना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नीचे आएंगे, नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन दिखाई देगा दोस्तों। तो यहाँ पे आपको चले आना है, मैं आपको बताता हूँ, दो ऑप्शन पे आपको मिल जाएगा डिटेल देखने के लिए। सबसे पहले तो दोस्तों आपको जो है ये मेमोरीज के नीचे में यह लिखा हुआ मिल जाएगा, सेशन मैनेजमेंट, इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा अभी जो है किस डिवाइस पर इस्तेमाल हो रहा है और उसका लोकेशन क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा आईफोन 15 प्लस है जो कि लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, ये दुर्ग छत्तीसगढ़ में यहाँ पे जो है मैं हूँ अभी करेंट में, तो इस तरीके से बता रहे हैं। फिलहाल यहाँ पे मैं दुर्ग में नहीं हूँ लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर ही हूँ, ठीक है। तो दुर्ग से करीबन 200-300 किलोमीटर दूर बिलासपुर छत्तीसगढ़ है, बिलासपुर के अंदर में हूँ। तो यहाँ पे कभी कभी लोकेशन थोड़ा सा आगे पीछे बताता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका फ़ोन का मॉडल नंबर सही बताएगा, आईफोन 15 प्लस तो आईफोन 15 प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है और इस तरीके से डिटेल आपको दिख जाएगा। हो सकता है आप जो है यहाँ पर दूसरा डिवाइस का नाम देखेंगे, इसका मतलब ये है कि आप जो है दूसरा फ़ोन पर भी लॉगिन किए हो। आपको याद कर लेना है कि आपने किसके मोबाइल पर डिवाइस पर लॉगिन किया था, ठीक है, वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे आप कहाँ पे मिलेगा वो ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ। उसके अलावा अगर आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ और कहाँ पे देखने को मिल सकता है उसका डिटेल, ठीक है, कि लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है दोस्तों। तो वो आपको कहाँ पे मिलेगा मैं बता दूँगा, तो यहाँ पे चेक करिए देते हैं। चलिए यहाँ पर हम आ जाएँगे और कहाँ पर रहता है यार, नोटिफिकेशन, टू फैक्टर, ओके ओके, हाँ। तो ये आपको जो दोस्तों और कहाँ पे दिखाई देगा मैं बता देता हूँ, अगर वहाँ पे नहीं दिखाई देता या फिर दिख जाता है फिर भी, आप यहाँ पे सेटिंग पे आएंगे, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जो ऑप्शन है इस पे चले जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे फॉरगेट डिवाइस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप जो है डिवाइस को फॉरगेट कर सकते हो, हटा सकते हो मान लो, ठीक है। यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा आपका लॉगिन एक्टिविटी, ठीक है, कौन कौन सा ऐप लॉगिन है, और यहाँ पे आप जो है क्लिक करके उसको लॉग आउट कर सकते हो, हटा सकते हो। इससे क्या है, उसके फ़ोन में जिसके भी फ़ोन में आपने इसको लॉगिन किया था उसके में फट जाएगा और उसका वो इस्तेमाल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है अपने आईफोन में स्नैपचैट का लॉगिन एक्टिविटी भी देख सकते हो। मैंने बता दिया मॉडल नेम आपको चेक करना रहता है क्योंकि मॉडल नेम ही बताता है, ठीक है, जिसका ही फ़ोन आप इस्तेमाल किए होगे। तो इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों, स्नैपचैट में लॉगिन एक्टिविटी को देख सकते हो अपने आईफोन पर। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आप जरूर बताएँ। चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बहुत सारे भाई लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं क्योंकि वो लोग बादाम नहीं खाते हैं। तो आप जो बादाम खाते हो या फिर आपका दिमाग तेज है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को आप जो है सेलेक्ट करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।